ओ तेरे तो यूजिन का कॉल आ रहा है भाई। क्या बोलना चाह रहा है? एक सेकंड, उठाते हैं कॉल, उठाऊं या ना उठाऊं? वैसे भी यार यूजिन जो है अपने काम के लिए कॉल करता है, और वैसे तो मेरे से बात करने का इसके पास टाइम नहीं है, तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो हेलो यूजिन भाई, व्हाट्स अप? यूजिन अंकल जी, क्या हाल चाल आपके? क्या बोलना चाह रहे हो सर? मेरे को मदद चाहिए। मेरे को लगा ही था तुम मदद के लिए कॉल करोगे भाई, वैसे भी तुम मदद के लिए कॉल करते हो यूजिन भाई। मेरा जो लौंडा है वो पार्टी करने गया था भाई एक आइलैंड पे। अच्छा, मतलब कोई लोचा हो गया है। अच्छा लोचा हो गया है, क्या हुआ? मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। ओ भाई क्या हो गया ऐसा? अरे मेरा लौंडा गया था गुलछर्रे उड़ाने। कहाँ पे गया था भाई? पार्टी करने गया था। अरे यूजीन भाई हमें बताया नहीं। वो एक आइलैंड पे गया था यार, पता नहीं कोई लोचा हो गया। तुम मेरे साथ चलो उसकी मदद करते, देखते क्या हुआ है। हुआ क्या है वहाँ पे? कुछ कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ 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 ज्यादा डरावना हुआ है, बता सुनने में आया भाई। चलना मेरे साथ। ठीक है भाई, लेट्स गो, हम चलते हैं उस आइलैंड पे जल्दी से, मैं अभी आता हूँ। तो यूजिन भैया का कॉल करते ही मैं सीधा चला गया यूजिन भैया के घर पे, और मजे की बात यह है कि यूजिन भैया ने मुझसे चाय पानी भी नहीं पूछा, सीधा ही मुझे लेकर चले गए उस आइलैंड पे। बट मेरा गोल होने वाला है यूजिन भैया के बेटे को बचाना और उस मॉन्स्टर का खेल खत्म करना। तो आइलैंड पे पहुंचते ही यूजिन भैया ने पता नहीं कौन सा भूत देख लिया और वो दौड़ने लगे, और मैं भी डर गया तो मैं भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और दौड़ता गया। फिर यूजिन भैया मुझे लेकर गए एक वेयरहाउस के अंदर, जहाँ पे माइनिंग चार्ज कंपनी की एक ट्रेन की इंजन खड़ी थी, जिसके अंदर लगी हुई थी एक मशीन गन। फिर यूजिन भैया को हो रही थी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, और उसी के चक्कर में उन्होंने वेयरहाउस का गेट भी नहीं खोला और मैंने उसे तोड़ दिया। यस, बाद में यूजिन भैया मुझसे बात करने लगे थोड़ी देर में, और फिर आ गया हमारा वो मॉन्स्टर जिससे हमें फाइट करनी थी, जिसका नाम था चूचू चार्ल्स। और इसी के साथ ही होता है हमारे यूजिन भैया का सफर खत्म। यूजिन भैया को मारते ही चार्ल्स भाई भी भाग गए यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने ले लिया है गलत आदमी से पंगा। और यूजिन भैया ने अपनी लास्ट 2-3 सांसों के अंदर यही बात बोली, असल में यूजिन भैया ने ये बोला था, अंधे ढूंढो और मेरे बेटे को ढूंढो। ये बातें बोलते ही यूजिन भैया ने अपना दिम तोड़ दिया और मैं भी वहाँ से चुपचाप निकल गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो हालत यूजिन भैया की चार्ल्स भाई ने की है वही हालत मेरी भी हो। फिर मैं मिला एक आंटी से जिसके पास शॉटगन थी, और पता नहीं वो बारिश में क्या कर रही थी। एंड मजे की बात यह है कि वो यूजिन भैया की दोस्त है, तो उसने मुझे बोला कि मेरे घर से तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और मैं सोचने लग गया कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, और फिर मुझे पता चला ये क्यों बोल रही थी, क्योंकि इसके घर का दरवाजा ही लॉक था। फिर मुझे मिली आंटी के घर के छत पे जाने की सीढ़ियां, और वहां मुझे मिले काफी सारे ट्रेन को रिपेयर करने का सामान, जिसे तुम लोग इंग्लिश में बोलते हो स्क्रैप्स। फिर मुझे मिला एक थोर का म्योनलीर, जो कि मेरे किसी काम का नहीं था। फिर मैं मिला जंकयार्ड वाले भैया से, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी चेस्ट को ताला लग चुका है और मैंने उसके लिए लॉकपिक बनाया है जो कि मुझे यूज करना नहीं आ रहा, तो तुम मेरे लिए लॉकपिक से मेरी चेस्ट का ताला खोल दो, मैं तुम्हें दे दूंगा काफी सारे स्क्रैप्स। फिर मैं खोलने लग गया उस चेस्ट के ताले को, और उसे खोलना इतना भी हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा मुश्किल था, जिसको भी मैंने सक्सेसफुली खोल दिया। फिर मैंने उठा लिया उस चेस्ट का सामान और दे दिया जंकयार्ड वाले भाई को। फिर जंकयार्ड वाले भाई ने मुझे दिया काफी सारा स्क्रैप्स, तो उससे मैंने अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर लिया। फिर मैं मिला एक आंटी से जो कि बैठी थी कुर्सी पे, और वो भी बारिश के अंदर। उन्होंने मुझे बताया कि तुम चार्ल्स को मार नहीं सकते, क्योंकि तुम उसके ऊपर गोलियां चलाओगे तो वो भाग जाएगा। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि चार्ल्स भाई एक नंबर का फट्टू है। और आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हें 3 माइन के अंदर जाके 3 अंडे कलेक्ट करने होंगे, उन्हें रखना होगा तुम्हें एक मंदिर के अंदर, जिससे चार्ल्स आ जाएगा और उसके बाद में या तो वो तुम्हें मारेगा या फिर तुम उसे मारोगे, तो जाओ वहां पे। और आंटी ने मुझे एक माइन की तो चाबी भी दे दी थी। फिर मैं मिला एक बूढ़े अंकल से, जिन्होंने चार्ल्स भाई को मारने के लिए एक फ्लेम थ्रोवर बनाई थी, बट अफसोस के उनके खुद के घर को आग लग गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस आग को बुझाओ, मैं तुम्हें अपनी फ्लेम थ्रोवर भी दे दूंगा। फिर मैंने अंकल के पानी की टंकी खोल दी और उससे सारी सारा आग बुझ गई, और मेरे को मिल गई अंकल की फ्लेम थ्रोवर जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी थी। फिर मैं गया उस माइन के अंदर, जिस माइन के बारे में मेरे को आंटी ने बताया था, उस माइन के अंदर मुझे एक ताला लगी हुई चेस्ट मिली, और जब मैंने उस चेस्ट का लॉक खोला और उस चेस्ट को खोला तो मुझे उसके अंदर से मिला एशियन पेंट्स। फिर मैंने एशियन पेंट्स का डब्बा उठाया और मैं निकल गया आगे की तरफ, जहाँ पे मुझे मिले एक मास्क वाले भैया जिनके हाथ में शॉटगन थी, और फिर मेरे को अंडा भी दिख गया और अंडे को मैंने उठा लिया, और मुझे लगा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल लूँ, क्योंकि मास्क वाले भैया अगर मेरे को देख लेते।
और अफसोस उन्होंने मुझे देख लिया और एक गोली शॉटगन की भी मेरे बजा दी। फिर मैं मिला टोपी वाले सर से जो कि मुझे एक रॉकेट लॉन्चर दे रहे थे, वो भी चांस को मारने के लिए। बट अफसोस की बात यह है कि उनके पास उनकी रॉकेट ही नहीं थी और वो रॉकेट्स मुझे लानी थी। फिर मैं मिला एक गंजे अंकल से जो कि इतनी ठंड के अंदर बिना कपड़ों के बैठे थे और उन्होंने मुझे एक और माइन की चाबी दी, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो टोपी वाले भाई ने मुझे बताया था कि रॉकेट्स तुम्हें एक बंकर के अंदर मिलेगी, जिस बंकर के दरवाजे को तुम्हें डायनामाइट से उड़ाना है। और दरवाजा तो मैंने उड़ा दिया बट उस डायनामाइट के साथ मैं खुद भी उड़ गया। फिर मैंने टोपी वाले भैया को सारी की सारी रॉकेट्स लाके दी और रॉकेट्स के साथ उन्होंने मुझे अपना रॉकेट लॉन्चर भी दे दिया और मैं निकल गया दूसरी माइन के लिए। और दूसरी माइन पे जाते हुए मेरी मुलाकात हुई चार्ल्स भाई से और उनको मैंने फिर से जो है काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटा। और फाइनली मैंने चार्ल्स भाई को वहां से भगा दिया और फिर मैं पहुंच गया दूसरी माइन के पास। और दूसरी माइन के बाहर चौकीदार खड़ा था और ये वही चौकीदार था जो पिछली माइन में था। बट इसको इग्नोर करते हुए मैं चुपचाप से निकल गया माइन के अंदर। और माइन के अंदर जाने के बाद में मुझे मिला एक बहुत ही बड़ा माइकल जैक्सन का फैन। फिर मैं उसे लेकर आ गया अपनी ट्रेन के पास और उसे लाते लाते गेट कीपर ने भी मुझे आते उधर देख लिया और एक को तो मैंने उड़ा दिया रॉकेट लॉन्चर से और दूसरे को उड़ा दिया मैंने फ्लेम थ्रोवर से। फिर मुझे दूसरा अंडा भी मिल गया था और उसको लेते ही मेरे पीछे पड़ गया था एक गार्ड और वहां से भागते भागते मैं चला गया अपनी ट्रेन के पास। फिर मैं गया एक मूछ वाले लड़के के पास जो कि काफी जवान था और उसने मुझे बताया कि वो यूजिन का बेटा है, पर मैंने उसे नहीं बताया कि उसका बाप मर चुका है वरना हमारा मिशन फेल हो सकता था। और अगर हम लोग इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो साफ पता चलता है कि यूजिन का ही बेटा है। फिर इसने मुझे दिया काफी सारे डायनामाइट्स जो कि मुझे ब्रिज के ऊपर लगाने थे ताकि चार्ल्स से जब मेरी फाइट हो तो उसको मैं लेकर आऊं ब्रिज पे और ये उस ब्रिज के डायनामाइट्स को फोड़ दे और चार्ल्स वहीं पे खत्म हो जाए। फिर मैं मिला एक बूढ़ी आंटी से जिन्होंने मुझे एक वेपन दिया जिस वेपन का नाम था बॉब और इन्होंने बोला कि इस वेपन का नाम बॉब रखना। ठीक है समरिया। फिर मैं गया एक बंदर से शक्ल वाले गंजे के पास जिसने मुझे तीसरी माइन की चाबी और लोकेशन दे दी। फिर मैं तीसरी माइन में भी पहुंच गया ताकि मैं तीसरा अंडा भी ले सकूं। वहां पे भी काफी सारे गार्ड्स थे, उनसे बचते बचाते मैं पहुंच गया अंडे के पास और अंडा भी मैंने ले लिया। और अंडा लेते ही मेरे पीछे पड़ गया था एक और गार्ड और उसको भी मैंने चकमा दिया और उस माइन से भी निकल गया। फिर मैं उन तीनों अंडों को लेकर पहुंच गया एक मंदिर के अंदर जहां पे मुझे वो तीनों अंडे लगाने थे। और मैं तीसरा अंडा लगाने ही वाला था कि वहां पे आ गया एक पीले सूट वाला बंदा और उसके गार्ड वही थे जो अंडों की प्रोटेक्शन कर रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि ये इसके गार्ड है और इसने मुझे अंडा लगाने के लिए मना किया, पर फिर भी मैंने अंडा लगा दिया। और थोड़ी देर बाद में मुझे पता चला कि जो जो पीले सूट वाला बंदा है इसी ने चार्ल्स को बनाया है और इसका नाम था वारन चार्ल्स। और उसी दौरान यहाँ पे चार्ल्स भी आ गया और पीले सूट वाला बंदा भागने लगा। और अंडों की शक्ति से चार्ल्स कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो गया था और जिससे उसने वरन चार्ल्स को भी मार दिया। फिर मैं दौड़ के चढ़ गया अपनी ट्रेन के ऊपर और फिर मैंने बॉब भाई का यूज किया और चार्ल्स भाई को इतना ज्यादा डैमेज दिया कि चार्ल्स भाई खुद भी सोचने में मजबूर हो गए। और फिर मैं चार्ल्स भाई को मारते मारते लेकर आ गया उस ब्रिज पे जहाँ पे मैंने बॉम्ब सेट किए थे। और उसके बाद जैसे ही चार्ल्स भाई उस ब्रिज पे आए मैंने उस ब्रिज को ब्लास्ट करवा दिया। और काफी गंदे तरीके से चार्ल्स भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद मुझे लगा गेम खत्म हो गया, बट जमीन के नीचे मुझे दिखा एक अंडा जो कि शायद चार्ल्स भाई का था, तो मेरे को लगा कि चूचू चार्ल्स 2 के अंदर भी हम लोग चार्ल्स भाई को मार देंगे। लेकिन इस नजारे को देखने के बाद मैं इस आइलैंड पे कभी भी नहीं आने वाला हूँ और खास तौर से चार्ल्स से फाइट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि इस नजारे को देखने के बाद तो मैं लेने वाला हूँ मॉन्स्टर हंटिंग से रिटायरमेंट।
लेकिन जाने से पहले रेस्ट इन पीस यूजीन भाई।